सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि गूगल अकाउंट रिकवर कैसे करें। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आप भी अपना गूगल अकाउंट रिकवर कर सकते हो। इस वीडियो में गूगल अकाउंट मैं बिना पासवर्ड के रिकवर करना सिखाऊंगा और इस ट्रिक की मदद से आप अपने भूले हुए जीमेल आईडी को भी रिकवर कर सकते हैं, उसे फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर आप उन चीजों को फॉलो करेंगे तभी आप अपने भूले हुए जीमेल आईडी और गूगल अकाउंट रिकवर कर सकते हैं। रिकवर करने के लिए सबसे पहला बात, अगर आप जिस मोबाइल से अपना गूगल अकाउंट रिकवर कर रहे हैं उस मोबाइल में वो जीमेल आईडी पहले कभी लॉगिन होना चाहिए। एंड देन सेकंड बात, प्रेजेंट टाइम में जो जीमेल आईडी आपके मोबाइल अकाउंट जो जीमेल आईडी चल रहा है वो जीमेल आईडी और जिस जीमेल आईडी को आप रिकवर करना चाहते हैं वो जीमेल आईडी एक साथ चलाए होंगे तो भी आप बड़े ही आसानी से रिकवर कर सकते हैं, अगर आपको पासवर्ड नहीं याद है तो। सेकंड नंबर ये कि अगर आप अभी प्रेजेंट टाइम में जो सिम चला रहे हैं, जो नंबर चला रहे हैं, उसी नंबर के साथ आप अपना वो भी जीमेल आईडी बनाए थे तो भी आप इस ट्रिक की मदद से बड़े ही आसानी से रिकवर कर सकते हो। बट दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों, अब मैं आपको रिकवर करना बता रहा हूँ, वीडियो एकदम ध्यान से देखना, कोई भी पार्ट मिस मत कर। दोस्तों, आपको अपना गूगल अकाउंट रिकवर करने के लिए सबसे पहले आपको अपने जीमेल ऐप को ओपन कर लेना होगा। जीमेल ऐप ओपन करेंगे तो आपको इसका लुक कुछ इस प्रकार दिखेगा। आपको यहाँ राइट साइड अप कॉर्नर पर अपने जीमेल आईडी के लोगो पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा मैनेज योर गूगल अकाउंट, तो आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको गूगल मैनेज अकाउंट का पेज कुछ इस टाइप ओपन होगा। आपको यहाँ इस पेज पर इस जगह आपको इधर लेफ्ट की साइड स्क्रोल करना है। लेफ्ट की साइड स्क्रोल करने पर आपको यहाँ सिक्योरिटी देखने को मिल जाएगा, देन सिक्योरिटी पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर इस पेज को स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपको देखने को मिल जाएगा पासवर्ड मैनेजर, तो सिंपली आपको पासवर्ड मैनेजर पर क्लिक करना है। पासवर्ड मैनेजर पर क्लिक करने के बाद आप अपने जीमेल आईडी से जिस भी वेबसाइट या जिस भी ऐप में लॉगिन किए होंगे वो सभी आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। बट आपको इनमें से किसी को छेड़छाड़ नहीं करना है। सिंपली आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा google.com, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको अपने मोबाइल का स्क्रीन लॉक देना है या आपको अपना फिंगरप्रिंट लगा देना है, जो चाहे आप वो लगा के इसे अनलॉक करना है। अनलॉक करने के बाद आपको यहाँ पर वो सभी जीमेल आईडी दिख जाएंगे जो आप अपने मोबाइल में कभी भी लॉगिन किए थे या अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन किए थे या जो जीमेल आईडी आपके मोबाइल में अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है उस जीमेल आईडी को लॉगिन करने के बाद आपने जितने भी जीमेल आईडी अपने मोबाइल में लॉगिन किए होंगे वो सभी जीमेल आईडी दिख जाएंगे। तो आप जिस भी जीमेल आईडी को गूगल अकाउंट के रूप में कवर करना चाहते हैं आपको उस जीमेल आईडी के नीचे आंख का सिंबल देखने को मिल जाएगा, तो देन उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते ही आपको उस जीमेल आईडी का पासवर्ड दिख जाएगा। इस जीमेल आईडी को आप बड़े ही आसानी से रिकवर कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।